हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू जैम्प लाइव क्लासेस। दोस्तों, आपके लिए अच्छी खबर है कि आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपके लिए वैकेंसीज निकाली है, जो कि आपके 48 इसमें वैकेंसीज है और ये निकाली गई है AP4S सब सर्विसेज में। इसकी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, 26 फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 20 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके जो नोटिफिकेशन है वो आपका 12 फरवरी को रिलीज़ हो गया है। तो कैंडिडेट्स जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको बता दूँ कि आपके जो जैसे ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होते हैं, आप इस तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो रेडी रखिए। psc.ap.government.in पे इसके जो है ऑफिशियल जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, 26 फरवरी से 20 मार्च तक, ठीक है। इसकी 48 वैकेंसीज हैं। आपके जो इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जारी कर दी गई है। इसमें अलग अलग जो वैकेंसीज है उसकी डिटेल आपको बता दी गई है। इसमें कौन, एक बार मैं बता दूँ, जो आपकी कैरिड फॉरवर्ड वैकेंसीज है वो 2 वैकेंसीज और जो नई वैकेंसी आई है 48 वैकेंसी। इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बेचलर डिग्री इन बॉटनी और फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में और जूलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इस इनमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब साइंस के सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको अलग से इसका बोनस मार्क्स मिलेगा। सी कैटेगरी वालों को मिलेगा 5 मार्क्स, बी कैटेगरी NCC वालों को मिलेगा 3 मार्क्स और NCC वाले ए कैटेगरी के सर्टिफिकेट को 1 बोनस मार्क्स दिया जाएगा। ये वैकेंसीज फॉर मेन और वुमेन दोनों के लिए है। रिजर्वेशन वाला जो है, अभी आपका जो मैंने बताया कि 1 फरवरी के बाद में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं उनमें आपका जो अभी EWC जो है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है। साथ में आपके जो ST SC और जो OBC वाले हैं उनको अलग से रिलैक्सेशन है ही, ठीक है। और जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म के जो नोटिफिकेशन वो कंप्लीट जारी कर दिया गया है, आप इसमें जाके देख सकते हैं इसका सिलेबस वगैरह जो कि किस किस में इसके वैकेंसीज निकाली गई है उसके बारे में। और सर, एज लिमिट आपकी इसमें 18-30 ईयर्स है और जनरल वालों के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए ST ST और BSC कैटेगरी के वाले हैं 5 ईयर्स का एज रिलेक्शन दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 26 फरवरी से स्टार्ट होंगे, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट होगा इसमें और आपको जो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा। अभी इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 100 रुपीज़ है जनरल वालों के लिए, अदर कैटेगरी वालों के लिए इसमें कोई फीस बताई नहीं गई है। तो आप नेट बैंकिंग या किसके भी थ्रू आप पे कर सकते हैं। जो आपके एग्जामिनेशन है वो सिलेबस है कि इसमें आपका जो ऑफलाइन स्क्रीनिंग एंड ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा और इसमें आपके जो बाद में इसके जो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको जो इसका फाइनल आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये थी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि और भी जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे स्टार्ट होता है हम आपको इसकी पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। और जो लेटेस्ट वैकेंसीज ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है तो वो जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।